This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व आला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, जी मैं बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप लोगों की तबीयत ठीक है? और ये बताएं, कल फिर मजा आया क्वेश्चन करने में? हैवी ड्यूटी क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में दिया था, लेकिन इसमें से मेजोरिटी आपने क्वेश्चन मेजोरिटी डेट्स आपने कर ली होंगी, और बस चंद एक डेट्स के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही चंद एक एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन लिखूंगा चंद एक, ठीक है बच्चों? जो सी चीज डिटेल में समझानी होगी वो लिखूंगा, जो सी चीज सिंपल है वो जस्ट बोलकर मैं डिस्कस कर दूंगा और वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। चले, पढ़ाई करने से पहले बच्चों, जो मैं दुआएं पढ़ता हूँ उसमें एक दुआ का तर्जमा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए भी वो फायदा और मेरे लिए भी कुछ सदका जारिया बन जाए। रबी ए मेरे रब, इशरा खोल दे ली मेरे लिए सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे ली मेरे लिए अमरी मेरा काम। तो कितनी अच्छी सी दुआ है यहां तक की, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम में आसानी फरमा दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और तू मेरी जुबान की गिरा खोल दे, मींस मैं अच्छा सा बोल सकूं। यफ़क़हू क़ौली, वो समझ जाए मेरी बात। मतलब क्या, मैं ये अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को मेरी बात अल्लाह ताला की तरफ से आसानी से समझ लग जाए, ये मेरे लिए हो गई बात। अब आप लोगों ने पढ़ते हुए भी, याद करते हुए भी, कि मैं जब भी ये चीज कभी भी मुझे बोलनी पड़े, मेरी इतनी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि बाद में मैं किसी और को समझाना चाहूं तो वो आराम से समझ जाए मेरी बात। अगली बात, जब आप पेपर में बैठ के ये दुआ पढ़ेंगे, तब ये सोच लेंगे कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो एक हिसाब से आप कन्वे कर रहे हुए, तो जो सी चीज आप लिखें वो अल्टीमेटली आई कैप वाले बंदे समझ जाएं, या कोई भी दूसरे को पढ़ाता है, दूसरे को कोई चीज बताता है, तो वो अच्छी सी बयान हो जाए, ठीक है बच्चों? जनाब, लेट्स मूव ऑन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा, तीन भाई हैं, नहीं तीन बच्चे हैं एक बंदे के, हर एक के पास बाइक है। एक साल पहले हमारे फजल भाई ने कुछ एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल खरीद लिया था, क्योंकि उनके बच्चे उनको तंग करते थे। हर एक दिन बाद दूसरा बच्चा आया होता था, अबाजी हमने ऑयल डलवाना है, पता नहीं डलवाना होता था या नहीं डलवाना होता था। तो उसका हल अबाजी ने निकाला, मैं अब तुम लोगों की ऐसी की तैसी करता हूँ, पैसे तो लेकर जाओगे और जिधर मर्जी खर्च कर दो, ठीक, कम से कम चीजें होंगी, तो अगर उसको दो नंबरी में यूज करना भी पड़ेगा तो पहले जाके कहीं ना कहीं पे बेचना पड़ेगा, फिर कहीं जाके तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। तो अबाजी ने हल ये निकाला कि अबाजी ने डिसाइड किया कि अब
उन्होंने ये चीजें खरीद ली थी। अब करना खुदा का क्या हुआ कि उन्होंने वही काम मोटरसाइकिल का बिजनेस या पार्ट्स का काम शुरू कर दिया कुछ अरसे बाद, साल बाद। लें जी, अब हम ये बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव को भी माइंडसेट में रख के एंट्रीज होंगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो बड़ी आसान सी एंट्री है। बिजनेस का कैश अप हुआ है और बिजनेस का कैपिटल अप हुआ है। कैश डेबिट, कैश एक एसेट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। एंट्री अमाउंट मैं नहीं लिख रहा। इन्वेस्टेड इन बिजनेस 800,000 थ्रू चेक, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है कितने किसके अंदर, बिजनेस में। तो बिजनेस का बैंक बढ़ गया होगा और बिजनेस का चूंकि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल भी बढ़ गया होगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट मैं वंस अगेन नहीं लिख रहा, 8 लाख रुपया नजर आ रही है। ब्रॉट एयर कंडीशनर, ब्रॉट है, इसके ऊपर बच्चों को थोड़ा सा मसला मसाइल हो सकते हैं। ब्रॉट एसी फ्रॉम होम टू बिजनेस, हर वो चीज जो ऑनर की पर्सनल है वो बिजनेस में ले आएगा, वो कैपिटल कहलाएगी। गॉट द पॉइंट? हर वो चीज जो ऑनर की पर्सनल है वो बिजनेस में ले आएगा तो उसको कैपिटल कहेंगे, चाहे वो कैश हो, पर्सनल कैश बिजनेस में ले आया, कैपिटल बिजनेस के लिए। पर्सनल घर से उठा के एसी ले आया बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए कैपिटल। पर्सनल कार बिजनेस को दे दी डिलीवरी के लिए तो वो बिजनेस के लिए एक कैपिटल। वन साइडेड डिस्कस कर रहा हूं। अब बिजनेस में एसी आ गया, एसी एक फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की कौन सी टाइप है? चार पांच टाइप्स हैं, चार पांच के आपके उसको बोलते हैं फिक्स एसेट की क्लासेस हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मशीनरी है लेकिन छोटी सी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी बड़ी मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट छोटी छोटी सी मशीनरी, जैसे एसी हो गया, जैसे फोटोकॉपी मशीन हो गई, जैसे आपके हो गए अवन हो गया ऑफिस में रखा हुआ। तो एसी के लिए मैं लफ्ज यूज करूंगा ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि मुझे एक ही लेजर यूज करना है। ऑफिस इक्विपमेंट है मेरा एक फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मेरा बढ़ जाएगा बिजनेस में, और दूसरी साइड पर मेरा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना है। इसकी वैल्यू बन जाएगी 40,000। डेबिट एंड क्रेडिट, टॉप पर डेबिट एंड क्रेडिट लिखा हुआ है, खब्बा डेबिट और सज्जा क्रेडिट। हाँ, एक चीज जरूर लिखनी चाहिए आपको कि आप किस डिनोमिनेशन में काम कर रहे हैं, रुपीज में, डॉलर में, किसमें खेल में है। नंबर चार, 4 जुलाई, मिस्टर फजल ब्रॉट ऑल एयर फिल्टर, ब्रॉट ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट ले आए, वो जो ऊपर खरीद के रखे हुए थे उन्होंने बच्चों के लिए, अब उसी का बिजनेस शुरू कर दिया। एयर फिल्टर और ऑयल लेफ्ट एट होम इन द बिजनेस, क्या पर्सनल चीज बिजनेस में ले आए। तो ये क्या हो गया, एक साइड मैंने कहा था लिखने पर पाबंदी है, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक हेड पहले सोचो फिर दूसरा हेड सोचो। पर्सनल चीज बिजनेस में ले आया, कैपिटल नहीं जी, क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं कैपिटल। 35,000 का है, ये भी आपने लिख लिया। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होते। व्हाट शुड बी डेबिटेड, क्या आपने इसको बाद में बेचना है? जी बेचना है। तो जो सी चीज फॉर रीसेल पर्पज ली जाती है उसे परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परचेजेस बोलते हैं।
तो आप यहां पर लिखेंगे परचेजेस, गुड्स फॉर रीसेल परपजेस कॉल्ड परचेजेस, गुड्स ब्रॉट इनटू बिजनेस फॉर रीसेल परपज। ठीक है जनाब, 35,000 की ये वाली आ रही। परचेज्ड अब बाइक, खरीदी है एक बाइक। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ परचेज का वर्ड पढ़ के परचेजेस में ले जाते हैं, ऐसा नहीं। क्या बिजनेस बाइक का है या बिजनेस बाइक्स की पार्ट्स का है? बिजनेस बाइक्स की पार्ट्स का है, लिहाजा ये वो वाली आइटम्स जो मैंने ली ही नहीं फॉर रीसेल परपजेस, और दूसरी चीज ये हमारी इसकी लाइफ भी एक साल से ज्यादा, ये फिक्स एसेट है, ये व्हीकल है। तो अगर हम कहें कि हमने बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी क्लासेस डिस्कस की हैं, तो क्लासेस जो हैं उनके हिसाब से जनरल एंट्री पास की जाती है। तो आपकी व्हीकल बिजनेस में बढ़ गई होगी, व्हीकल एक फिक्स एसेट बिजनेस का, अब तो डेबिट है 50,000 का थ्रू कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश आपका डाउन हो गया। कैश एक एसेट, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। परचेज्ड अ सेकेंड हैंड कार फॉर बिजनेस, क्या ये बेचनी थी? नहीं, बेचनी नहीं थी, ये फॉर चेक आपका जा रहा है, चेक के जरिए तो बिजनेस का बैंक से पैसा गया होगा आपके पास, ये भी व्हीकल ही आ रही है, तो इसमें भी व्हीकल ही लिख देंगे, व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक डाउन होगा, बैंक एक एसेट, बैंक डाउन हो तो एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। व्हीकल बिजनेस में बढ़ रही है 1,50,000, ये भी बात होगी बच्चों। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है कि किस तरह पता चलेगा कि कब कौन कौन सी चीज खरीदी है। मसलन यहां पर भी व्हीकल डेबिट, यहां पर भी व्हीकल डेबिट हो रही है, तो पता कैसे चलेगा कि हमने बाइक खरीदी थी, हमने कार खरीदी थी, क्या खरीदा था इस ट्रांजैक्शन में? तो बेटा एक इसी जनरल एंट्री का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं नरेशन। नरेशन थर्ड लाइन में लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लाइन ऐड नहीं की, ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं बॉट कार फॉर ऑफिस यूज, बस इतनी सी बात करते हैं। ये नरेशन बताती है कि आपने क्या किया, बाइक परचेज्ड। तो ये नरेशन एक पार्ट होता है, लेकिन अक्सर हम नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होता। अक्सर औकात एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर लिख कर कहता है मुझे नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कि पार्ट होता है, जनरल एंट्री का पार्ट है, लेकिन हम भी अपना टाइम सेव करने के लिए पेपर में नहीं लिखते हैं। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 5,000 एंड 11,000 थ्रू चेक, तो इसकी एंट्री बेटा हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदा है, दुकान पर गए आप, आपने कुछ कैश दे दिया उसे, कैश बिजनेस का काम हो गया, और कुछ आपने कहा कि मेरा चेक ले लें, आप चेक क्लियर करवा लीजिएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरा 5,000 का कैश गया, 11,000 का बैंक गया, तो मेरा टोटल 16,000 का इक्विपमेंट आया।
तो इस तरीके से भी एंट्री हो जाती है। दो हिस्सों में भी एंट्री पास कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 5,000, फिर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 11,000। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप इसे कंबाइंड करके करें, क्योंकि एक ही नरेशन में एक ही लाइन में ये बात की गई है। हाँ, खब्बा डेबिट और सज्जा क्रेडिट आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर है स्टिल। जी, ऑफिस फर्नीचर खरीदा आपने ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीद लिया। क्या चीज? ऑफिस फर्नीचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर आपका क्लास है, फर्नीचर एंड फिक्सचर बिजनेस का आप, और उधार पर खरीदा तो अकाउंट पेबल लफ्ज यूज करेंगे आप, ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस का पढ़ गया, अकाउंट पेबल, इसको ए ओब्लिक सी अकाउंट और पेएबल। यहां पर एक छोटी सी बात करता चलूं कि जो आपकी परचेजेस होती हैं उसके लिए स्पेसिफिक उधार किया जाए तो वर्ड क्रेडिटर का यूज होता है। क्रेडिटर का वर्ड और किसी के साथ यूज नहीं हो, ठीक? तो हम अपने लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये परचेजेस वाला पेबल नहीं है, ये पर फिक्स्ड एसेट वाला पेबल है, तो फिक्स्ड एसेट वाले पेबल को हम अकाउंट पेबल करते हैं। रीसेल पर्पस के लिए जो चीज खरीदी होगी उसके लिए क्रेडिटर, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है उसके लिए अकाउंट पेबल, ठीक? फॉर रीसेल पर्पस। नॉट फॉर रीसेल पर्पस। क्रेडिटर का एक अल्टरनेटिव भी वर्ड यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है बेटा हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, असल में क्या कर रहे थे, जो चीज परचेज की है बाद में बेचनी है, तो इसको ट्रेड पेबल भी बोल लेते हैं, ट्रेड पेबल। लेकिन आप अभी एक लफ्ज अकाउंट पेबल याद करें, एक चीज क्रेडिटर याद करें, ताकि एक चीज डिस्टिंग्विश हो, मिक्सिंग ना हो। समहाउ लिख रहा हूं, नोट करके रख लें, बाद में आप के काम आएगा, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर का लफ्ज ट्रेड पेएबल के तौर पर भी दिया जाता है, मींस ट्रेडिंग करना है उसका पेएबल, अकाउंट पेएबल नॉट फॉर रीसेल पर्पसेस के लिए। गॉट द पॉइंट बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज के अंदर? चलें जी, रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹2,000 ऑन कैश। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, हमने कुछ ऑफिस इक्विपमेंट वापस भेज दिया है। अब ऑफिस इक्विपमेंट ही कम हो रहा है, ठीक, इसमें रिटर्न वाला कोई हेड मैंने नहीं बताया हुआ, ठीक? तो ऑफिस इक्विपमेंट ही आपका कम हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट, एसेट कम हो तो क्रेडिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस का डाउन हो रहा है, ये 2,000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट अब हमने चीज वापस की तो कैश ले लिया, वही दाल चना वाली बात, ठीक? अगर हमने दाल चना कैश के जरिए खरीदी हो और वापस कर दें तो कैश वापस ले लेंगे, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट, और दर्जना अगर आप उसे उधार पर ली होगी तो अब उधार वापस नहीं करना है। ऑफिस फर्नीचर लिया था, ऑफिस फर्नीचर बिजनेस से डाउन, तो ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी लिख सकते हैं, ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सी चीज आप यूज करें उसको मुकम्मल यूज किया करें। फर्नीचर एंड फिक्सचर पूरे क्वेश्चन में वही लफ्ज यूज किया करें। फर्नीचर एंड फिक्सचर फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट बिजनेस से डाउन, डाउन हो तो क्रेडिट होता है, और हमने उधार किया हुआ था, अब वो वाले पैसे खत्म, उधार खत्म। उधार किया था उसका नाम था अकाउंट पेबल, बिजनेस का नाम दिया और जिसको देने थे पैसे तो नाम भी साथ लिखेंगे, अकाउंट पेबल। पेबल आपका कम हुआ तो डेबिट, हमारी ये करंट लायबिलिटी थी। ये मैंने पूरे का पूरा सिनेरियोस डिस्कस किए हैं मुख्तलिफ अंदाज में फिक्स एसेट से रिलेटेड, फिक्स एसेट का खरीदना, फिक्स एसेट का वापस करना, ये आपका फिक्स एसेट वाला एरिया हो गया। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कैपिटल वाला एरिया, कैपिटल वाला एरिया यहां तक था, फिर फिक्स एसेट वाला एरिया शुरू हुआ था। हमने बाइक्स खरीदी, हमने कार वगैरह खरीदी, ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, हमने रिटर्न भी की, रिटर्न के अगेंस्ट कैश भी लिया, रिटर्न के अगेंस्ट हमने उधार भी खत्म किया, तो सारे सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं। अब हमारी कहानी आती है थोड़ी सी लोन लेने पर। ही ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक 50,000 थ्रू कैश, बैंक के पास गए, बैंकों का पैसे चाहिए, उधार चाहिए, लोन चाहिए, उसने कहा ले लो। उसने तो कहा कि जी बैंक में ले लो, आपने कहा बैंक का अकाउंट मैंने नहीं खुलवाना, मुझे कैश में दे दो, मैं कैश में वापस किया करूंगा। समहाउ नॉर्मली होता नहीं ऐसे, बैंक का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लेकिन लिखा हो जैसे लिखा हो आपको वो फॉलो करना है, असल चीज ये है। तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा और लोन जो कि एक लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्या आप अगर अपने दोस्त से पैसे लेंगे तो कल आपने वापस करने हैं, कल को तो वो जो दोस्त ने पैसे दिए हुए हैं जब आपने वो वापस करने हैं तो आपके साथ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन क्या है, आपने लोन लिया हुआ है और वो एक लायबिलिटी है। अमाउंट मैं नहीं लिख रहा, 50,000 का लोन लिया हुआ है। लोन रिसीव फ्रॉम मिस्टर नादिर फ्रेंड है, दोस्त है, बिजनेस का दोस्त है, ये लोन फ्रेंड क्या नाम है, बिजनेस के लिए लिया गया है या उसने पर्सनली लिया है, बिजनेस के लिए लिया हुआ तो चूंकि ट्रांजैक्शन सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड आ रही है तो पर्सनल ट्रांजैक्शन की बातें नहीं होती तो बिजनेस में थ्रू बैंक है तो बिजनेस का बैंक बिजनेस का बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाए तो डेबिट, और लोन अब बंदे का नाम बताया हुआ है तो लोन फ्रॉम नादर लिखते हैं, ऊपर भी बैंक का बताया हुआ है तो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक कौन सा ये नहीं पता, लोन फ्रॉम HBL, जो सा बैंक हो उसका नाम है। लाइफ बड़े तो क्रेडिट होती है 25,000 से, ये हमारा लोन के लेने से रिलेटेड कहानी खत्म हो गई। लोन को देने की कहानी बाद में आएगी, लोन वापस करने की कहानी, अभी हमने लोन लिया है और बिजनेस को चलाना है। अब हम बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हमें चीजें खरीदनी पड़ेंगी, खरीद कर फिर आगे बेचेंगे, तो हमने चीजें खरीद ली हैं। जब लिखा हो गुड्स तो इसका मतलब परचेजेस, ये फॉर रीसेल पर्पजेस है, जब लिखा हो गुड्स तो इसका मतलब है ये फॉर रीसेल पर्पज है।
कैश जाएगा जब आप खरीदेंगे, तो परचेजेस डेबिट, परचेजेस बिजनेस की बढ़ जाएंगी और कैश बिजनेस का डाउन हो जाएगा। परचेजेस डेबिट साले पास मतलब कोई नहीं आता उससे बेटा तो लड़ाइयां नहीं यार, ओ करनी। यार ये कितने हो गए, मैंने क्या पता कितने यार। और अच्छा बोल अच्छा ठीक है, तो मेरे पास अल्लाह पास से छोड़ दे, इसे बैंक में नहीं है। ऐसा ऐसे भी होता है, ऐसे कामों, ऐसे लग रहा था जैसे जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं मोबाइल पे और कोई और जिसे कहते हैं ना कॉल मिक्स हो जाती है, ये सेम काम अभी यही हुआ था। लड़ाइयां पीछे चल रही थी। सर, मैं तो लीव करने लगा था। मैंने ब्लॉक कर दिया। पहले दिल कर रहा था एंजॉय करूं, फिर मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं है, फिर मैंने म्यूट ऑल कर दिया। ये जरूर पता चल गया था बंदा कौन सा है। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुड्स परचेज थ्रू कैश की, तो कैश क्या, जब थ्रू चेक करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक डाउन हो जाएगा, बैंक डाउन हो तो क्रेडिट एक एसेट है, और परचेजेस अप हो तो परचेजेस एक एक्सपेंस, एक्सपेंस अप हो तो डेबिट। परचेज मोटरसाइकिल पार्ट्स ऑन क्रेडिट, जी बच्चों बताएं, परचेज मोटरसाइकिल पार्ट्स इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, मोटरसाइकिल डेबिट और कैश क्रेडिट। ओ वेल डन वेल डन, परचेजेस ही होगी क्योंकि ये पार्ट्स हैं जिसका बिजनेस किया जा रहा है। मोटरसाइकिल का वर्ड पढ़ के नहीं ले चले जाना हमने, तो परचेजेस की ही एंट्री है, परचेजेस बिजनेस की अप हो जाएंगी। और उधार पर है तो अब क्या लफ्ज यूज करूंगा, क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल। बिल्कुल वेल डन, लेकिन क्रेडिटर यूज करें, अभी फिलहाल ट्रेड पेबल को मिक्सिंग में ना लेकर आए। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज फॉर कैश, चीजें आपने वापस कर दी हैं जो हमने कैश पर खरीदी थी, तो इसका मतलब है जब वापस करेंगे तो कैश ले लेंगे, कैश बिजनेस का अप हो जाएगा, कैश डेबिट और परचेज रिटर्न भी बिजनेस की अप हो जाएंगी। परचेज रिटर्न, परचेज की नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसके ऑपोजिट, उसकी नेचर ही क्या बन जाएगी, क्रेडिट बन जाएगी। परचेज रिटर्न का अप होना क्रेडिट कहलाएगा, कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 1500 रुपए। पार्ट्स रिटर्न टू सप्लायर विच आर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पर जो खरीदे थे, तो अब जो उधार पर खरीदे थे जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी डाउन हो गई, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट होती है, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट। और परचेज रिटर्न पार्ट्स रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न ही आ जाएगा। थ्री थाउजेंड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच आर परचेज थ्रू चेक, हमने खरीदी थी चीजें वो हमने रिटर्न कर दी हैं थ्रू चेक, तो अब क्या आ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा और परचेज रिटर्न पी आर परचेज रिटर्न, पी आर स्टैंड फॉर परचेज रिटर्न, मैं शॉर्टकट्स में लिख रहा हूँ, टाइम हमने अच्छा सा यूटिलाइज करना है अपना। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मेरी परचेजेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड हो गई। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, वाह जी वाह, क्या बात कर दी थी आपने, वाह जबरदस्त ब्यूटीफुल। आपको कहा था ये चीजें याद करनी है, ये इनकी नेचर है, बढ़ती हैं जब, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। अनलेस एंड अंटिल के मैंने आपको कहा था एक चैप्टर जो रेक्टिफिकेशन का होगा,
मीन्स हमने कोई गलतियां कर दी होंगी, उसको सुधारते हुए अगर डेबिट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हमेशा क्या होगी क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, परचेजेस हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, मुझे तो आप इस तरीके से भी इन चीजों को भी फोकस कर लेंगे ना तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ सिर्फ कहा था आपके जो हेड्स अप डाउन रूटीन में होते रहते हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, ये अप डाउन लाजमी तौर पे होते हैं, बाकी सारी चीजें अप होती हैं, डाउन नहीं होने वाले काम नहीं है बाकी चीजों सिवाय एसेट्स और लायबिलिटीज के, बाकी सारी चीजें अप 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 एंड अप। तो आ जाओ ले बच्चों, परचेजेस से रिलेटेड परचेजेस का खरीदना, परचेजेस से रिलेटेड उधार पर खरीदना, परचेजेस से रिलेटेड बैंक के जरिए खरीदना, ये सारी चीजें होगी। परचेज रिटर्न कैश के ऊपर करना, परचेज रिटर्न बैंक के ऊपर करना, परचेज रिटर्न उधार की वापस चीजें होना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली इसी एक क्वेश्चन के अंदर। अब कहानी आ गई है चीजें तो खरीदी, अब उनको बेचना है, सेल की है तो सेल की नेचर क्रेडिट तो हमेशा क्रेडिट ही आनी है। ठीक है, सिवाय उस एक चैप्टर के, वो चैप्टर तो तब आएगा जब हमें ओरिजिनल सही वाली एंट्री आती होगी। तो बिजनेस में कैश आ गया, कैश बिजनेस का बढ़ गया तो कैश अप हो तो कैश करंट एसेट, एसेट अप हो तो डेबिट, सेल्स बिजनेस की बढ़ी तो सेल्स बढ़े तो क्रेडिट। अमाउंट मैं नहीं लिख रहा, जहां पे अमाउंट्स के मसले होंगे वहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा, बाकी मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा, तुसी भी नहीं छोड़ देना, पता चले एग्जामिनेशन में अमाउंट नहीं लिखी कि सर वसीम ने भी नहीं लिखी थी, तो ऐसा काम आपने नहीं करना। सोल्ड पार्ट्स ऑनलाइन एंड रिसीव कैश, ले जनाब इसकी एंट्री क्या होगी, ये स्पेशल एंट्री आई है जनाब, इसी से रिलेटेड एक और एंट्री भी आनी है बाद। जी बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, ऑनलाइन पार्ट्स बेच दिए और कैश रिसीव कर लिया, ले जनाब मैं खुद ही लिख देता हूं भाई जी, ऑनलाइन बेचे या जोन सा भी है आपको अगर कैश में मिला तो क्या, जब ऑनलाइन फूड पांडा के जरिए चीज बेची जाती है और वो फूड पांडा वाला कैश ले जाता है तो इसका मतलब है बिजनेस के पास कैश पहुंच गया होगा, हो सकता है फूड पांडे वाला जो जो राइडर है वो पहले से ही कैश दे के वो चीज लेकर आया हो कि उसको तो कैश मिल ही जाना है। ठीक, तो चीजें बिक गई हैं, कैश बिजनेस का अप हो गया है और सेल भी बिजनेस की अप हो गई है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ही मेड सेल थ्रू चेक, बैंक के जरिए कर दिया, थ्रू चेक का मतलब बैंक, अब पैसा बैंक में आ गया, बैंक बिजनेस का अप, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जफर एंड मिस्टर शरीफ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट उधार पर, जब उधार पर सार्थ बंदे का नाम लिखा हो तो इसका मतलब है सात बंदे का हिसाब किताब भी रखना है और हर हर बंदे का अलग अलग हिसाब रखना है। उधार पे चीजें बिक गई, चीजें बिकी हैं, अब जिसको उधार पर सेल की जाती है उसको बच्चा बोलते हैं डेटर। वंस अगेन यहां पर
जो सी चीजें खरीदी थी और फॉर रीसेल पर्पस खरीदी थी, अब उनका बेचना। गुड्स सोल्ड, जो सी चीजें फॉर रीसेल पर्पस खरीदी रीसेल पर्पस खरीदी थी, जरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। उधार पर आप बेचती हैं, तो अब इस बंदे का नाम डेटर होगा। और अब आप बताएं, चीजें बेच दी, फिक्स एसेट बेच दिया उधार पर, तो अब उसका नाम फिर क्या होना चाहिए? पेबल के लिए क्या नाम रखा था? अकाउंट पेबल। पैसे लेने हैं तो उसके लिए क्या नाम रख लें? अकाउंट रसीवेबल, पैसे लेने वाले। ठीक है जी, फिक्स एसेट मैं जस्ट लिखने लगा हूं, उसके लिए क्या लफ्ज यूज कर लेंगे आप? अकाउंट रसीवेबल। उधार ऑन क्रेडिट, तो डेटर जफर, जफर सुपारी 18,000 से, डेटर उधार पर सेल शरीफ से 12,500 से, और सेल आपने कर दिया सेल्स क्रेडिट, सेल्स में आप बैलेंस करना है 18 जमा 12 30, 30,500। तो ये क्या हुआ? सेल 30,500, ही रिसीव गुड्स, जी से मुराद है बिजनेस, अर्लियर सोल्ड थ्रू कैश, हमने चीजें बेची थी कैश के ऊपर, अब वो चीजें वापस आ गई हैं। जब इसे वापस आएंगी तो कैश क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट होती है, वो बढ़नी बढ़नी है, सेल्स रिटर्न बढ़ी है, सेल्स रिटर्न बढ़े तो डेबिट होती है, ये बढ़नी बढ़नी है, कम नहीं होनी 1,500 से। और कैश आपको देना पड़ जाएगा, कैश बिजनेस का डाउन हो जाएगा 1,500 से, कहानी खत्म। जनरल एंट्रीज बहुत आसान है, उससे उससे चंद वो मैंने कहा था वो रूल्स याद कर लें जो मैंने लिख कर दिए थे, जो मैंने अभी शो भी किए। ये पांच हेड्स हैं, उनको वो बढ़े तो क्या होंगे? आपने सवाल किया है, जवाब सवाल का जवाब जरूर देंगे बेटा। कितने सवाल किया? जी भाई ने पूछा है कि सर पेबल में क्रेडिटर के साथ ट्रेड पेबल आ सकता है, क्या यहाँ पर भी आ सकता है? तो आप बताएं क्या बनता है। ट्रेड रिसीवेबल, सेम अकाउंटिंग बड़ी आसान है, चीजें भी बड़ी आसान है, बहुत सिंपल, बिल्कुल लॉजिकल चीज, सेम चीज, नाम स्पेसिफिक है, उधार की चीजें जो जो खरीदी थी वो बेचनी है आप, वो सेल कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक बंदों का नाम डेटर है। हाँ, अल्टरनेटिवली ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पेबल उसी तरीके से रिसीवेबल। ये बच्चे का सवाल का जवाब भी हो गया। गुड्स रिटर्न आउट ऑफ कैश सेल्स थ्रू चेक,
जी ये बताएं जनाब इसका क्या कारण। चीजें रिटर्न की हैं जो के सेल की थी हमने कैश सेल्स के तौर पर, लेकिन अब हम चेक के जरिए पेमेंट करेंगे। चीजें वापस आ गई, सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न बिजनेस की आप हो तो डेबिट, एस आर स्टैंड फॉर सेल्स रिटर्न, और कैश पर की थी कोई मसला नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं, बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो हम बैंकिंग डाउन करेंगे, बैंक डाउन हो तो क्रेडिट अमाउंट 1800। रिसीव गुड सोल्ड टू मिस्टर जफर, जफर सुपारी को जो चीजें सेल की थी, पता नहीं सुपारी को ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे ऐसे नाम गड़बड़ी करते होते। हाँ, रिसीव गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जफर, जफर ने 1000 की चीजें क्या कर दी, भिजवा दी है वापस, तो सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न बढ़े तो डेबिट। उधार पे पैसे लेने वाले थे, अब जब चीजें वापस आ जाएंगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, चीजें वापस आ गई हैं, तो उधार में जो पैसे लेने थे डेटर जफर, बिजनेस का क्या हो जाएगा, डाउन, लेने वाले पैसे कम हो जाएंगे 1000 रुपए। सेल्स से रिलेटेड कैश के ऊपर सेल्स, बैंक के जरिए सेल्स, उधार के ऊपर सेल्स, सेल्स रिटर्न कैश के जरिए, बैंक के जरिए, उधार के ऊपर वापसी, सारे के सारे सिनेरियोस इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने डील कर ली, जिसके ऊपर आपने कल थोड़ी सी मगजमारी भी कर ली थी, अब आज उसकी पॉलिशिंग चल रही है। अब बात आती है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब जो जो सा एक्सपेंस है वो देखते चले जाएं, देखना ये है कि कैश हो रहा है या क्या हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बाजुकात लिखा नहीं होता कैश के जरिए है या बैंक के जरिए, तो यहां पर लॉजिक इस्तेमाल होती है। 99.99% जगहों पर हम कैश लेते हैं। सर ये 0.01% कौन सी जगह है, 0.01 चीजें वो हैं जो लॉजिकली बैंक से पे होनी है, जैसे बैंक चार्जेस हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो कैश ले लेंगे हम। सैलरी एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया वो डेबिट, और कैश बिजनेस का कम हो गया क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश बिजनेस का कम हो गया क्रेडिट। पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज ऑफिस बॉय बाय कैश, ठीक है जनाब। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश डाउन हो गया क्रेडिट। टेलीफोन एक्सपेंसेस थ्रू कैश, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, कैश बिजनेस का डाउन हो गया क्रेडिट। पेड पोस्टेज एक्सपेंस फॉर मेकिंग ऑनलाइन सेल, ले जनाब इसकी एंट्री कब बताएं, बच्चे इसमें गलती करते हैं थोड़ी सी। पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट है, पेड किया है तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। अब बच्चे जो मिक्स करते हैं इसके साथ करते हैं, बेटा जो ऑनलाइन सेल हुई होगी वो हुई होगी, अब मैं उसके पोस्ट करने के एक्सपेंसेस बियर कर रहा हूं, मैंने यहां से ऑनलाइन सेल की चीजें, अब मुझे कराची भिजवानी है लाहौर से,
तो मैं कोरियर सर्विस यूज करूंगा, उस कोरियर सर्विस को जो पैसे दे रहा हूं वो ये है पोस्टेज एक्सपेंसेस। कैश तो देना ही है इसलिए कैश क्रेडिट। यस वेल्डर बच्चे, कुछ मैं मेरा एक्सपीरियंस है ना, बच्चे सेल को पकड़ कर बैठ जाते हैं, ऑनलाइन सेल। सर ये सेल नहीं है, सेल का लफ्ज आ गया है। तो चीजें पे कर रहे हो तो पे किया तो कैश क्रेडिट, और किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हो, पोस्टेज के जरिए कर रहे हो। नेक्स्ट थ्रू चेक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पेड 3200 थ्रू चेक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक डाउन, पेड चेकबुक चार्जेस टू बैंक। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर लॉजिकल है कि बैंक पैसा खुद बैंक के जरिए ही अपने आपके अकाउंट से काट लेता है, यहां पर कैश नहीं लेना, यहां पे आपके बैंक चार्जेस एक्सपेंस, जो बैंक चार्जेस होते हैं उसके एक्सपेंस का नाम भी बैंक चार्जेस ही है। आगे एक्सपेंस लिखना है, लिख ले, नहीं लिखना ना लिखे, यहां पर क्रेडिट बैंक होगा बच्चा बाय लॉजिक। इंटरेस्ट मार्कअप ऑन लोन, ये भी बायोलॉजिकल ये है कि बैंक वाला पैसे काट लेता है, तो इसकी भी बायोलॉजिक एंट्री आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट करेंगे। बैंक डाउन हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कहीं फिट इन ना हो उसको कहते हैं सन्ड्री, मिसलिनियस। और इस क्वेश्चन में लोन चाहे कैश पर लिया था कोई मसला नहीं है, चाहे कैश पर लिया था लेकिन अकाउंट के जरिए आ रहा है, मैंने तो लॉजिकल बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाय नॉर्मली क्या होता है, मैंने वहां पर भी कहा था लॉजिक क्या है, वो कहेगा अकाउंट खुलवाओ, उसने देने नहीं है पैसे बैंक ने, तो अगर मैं कहूं कि ऊपर जाए तो वहां पर भी फिर दो एंट्रीज की जा सकती है, वो कहेगा इधर गया लोन वाला, मैं यहां पर भी दो एंट्रीज करवा सकता हूँ। यस, दो कहेगा अकाउंट खुलवाओगे तो वहां से कैश निकलवा देते हैं तुम्हें, तो पहली एंट्री वो कहेगा कि तुम पास करो अकाउंट खुलवाओ, खुलवाओ बैंक डेबिट अप हो गया और लोन क्रेडिट, और दूसरी एंट्री आप कर देंगे कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, कैश अप हो गया बैंक डाउन हो गया 50,000 से, 50 से ये एंट्री बैंक के जरिए की, फिर 50 से दूसरी एंट्री की, तो नेट ऑफ हो गए कैश डेबिट और लोन क्रेडिट आ गया, क्योंकि कैश, क्योंकि बैंक एक दफा क्रेडिट हो रहा होगा एक दफा डेबिट हो रहा होगा इस ट्रांजेक्शन में, वो अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक वाला नहीं ऐसे पैसे देता, लिहाजा उसने अकाउंट में से ही आपके पैसे काटने हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस बिजनेस के अप हो गए और कैश बिजनेस का डाउन हो गया। पेड कमीशन, कमीशन पे हो तो एक्सपेंस, कमीशन रसीव हो तो इनकम, अदर इनकम, वो वाली इनकम, वो याद होगा निकाह खान वाली, तो कमीशन दिया है हमने डीलर को अगेंस्ट शॉप ऑन रेंट, शॉप रेंट पर लेकर दी है हमने उसकी कमीशन दिया, तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट और कैश में पे कर दिया, कैश बिजनेस का डाउन कैश क्रेडिट, एन एक्सीडेंट ऑफ बाइक अकर एंड पेड 3500 फॉर रिपेयर, ठीक है रिपेयर तो रिपेयर का एक्सपेंस कर देते हैं, रिपेयर एक्सपेंस बिजनेस का अप और कैश बिजनेस का डाउन। ले हमने स्टेशनरी खरीदी है शॉप के लिए, प्रिंटिंग करवाई है 400 और 1200 रुपए की, तो ये
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1600 से, अल्टरनेटिवली आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 200 रुपए पेट्रोल ऑफ बाइक के लिए, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लें जनाब आपके खर्चों से रिलेटेड एक लंबी चौड़ी कहानी जो कि कैश के जरिए अक्सर पे हो रही। बेटा कितने इक्विपमेंट लिखना है, पेट्रोल की जगह पर बेटा इक्विपमेंट कौन सी है? और प्रिंटिंग नहीं बेटा, इक्विपमेंट की थोड़ी है, आपने इक्विपमेंट थोड़ी लिया है, आपने तो चंद एक आपकी जो आपने प्रिंटिंग करवाई है जिसके ऊपर आप बिल बनाकर देते हैं वहां पे आपका नाम वगैरह लगा हो उसकी प्रिंटिंग करवाई है आप, ठीक है, ये एक्सपेंस है। स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस है, स्टेशनरी आपने दो बाल पॉइंटे खरीदी हैं और बस कहानी खत्म, एक आधा रजिस्टर खरीदा है वो यूज कर रहे हैं आप, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड एरिया भी हमारा खत्म हो गया। ओ चलो भाई अदर इनकम हमेशा बढ़नी है, अदर इनकम की नेचर क्रेडिट है, अदर इनकम बढ़ी है रसीव हुए कैश, जब कैश रसीव हुआ तो कैश बिजनेस का बढ़ गया, कैश बढ़े तो डेबिट, और अदर इनकम कोई हेड का नाम नहीं बताया तो हम अदर इनकम ही लिख देंगे, अदर इनकम भी बढ़ी है तो क्रेडिट, अदर इनकम रिसीव थ्रू चेक हुई है तो बैंक डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, अदर इनकम की नेचर क्रेडिट है। लोन रीपेड वीजा टू बैंक थ्रू चेक, लोन हमने वापस कर दिया है बैंक को थ्रू चेक तो हम क्या कहेंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, अब लोन की रीपेमेंट शुरू हो गई। लोन फ्रॉम बैंक आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट और थ्रू चेक आपने पेमेंट किया बैंक आपका डाउन हो तो क्रेडिट। मिस्टर नादिर को 15,000 कैश में दिए हैं तो लोन फ्रॉम नादिर लायबिलिटी ये डाउन हो गई और कैश जा रहा है 15,000 से तो ये क्रेडिट हो गया। लोन लिया था बिजनेस किया पैसे आए लोन वापस कर लिए, अब लोन की वापसी भी डिस्कस हो गई। हर वो चीज, ये ट्रेडिंग बिजनेस के वाले से है, हर वो चीज जो बिजनेस की है अगर वो पर्सनल यूज में चली जाए तो उसे बेचारी ड्राइंग बोलते हैं, हर वो चीज जो बिजनेस की है अगर वो पर्सनल यूज में चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। हर वो चीज जो पर्सनल है बिजनेस के यूज में आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। चार सिनेरियो कैपिटल के डिस्कस किए थे, चार ही सिनेरियो ड्राइंग्स के ड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लिखा होगा पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स बिजनेस की अप हो जाएंगी, ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट होती हैं, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग, तो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट।
खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट, कैश जा रहा है, कैश डाउन हो तो क्रेडिट। जी बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है? इसकी एंट्री क्या होगी? He has given 2000 to his needy friend. भाई फ्रेंड उसका पर्सनल है, बिजनेस ने लोन नहीं दिया, उसने दोस्ती के नाते उसने पैसे दे दिए, तो हर वो चीज क्या बिजनेस के 2000 थे उसने पर्सनल यूज में ले गया, तो ये ड्राइंग्स ही कहलाएगी, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्राइंग बढ़ गई और कैश बिजनेस का डाउन हो गया, ग्रैंड ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। विदड्रू बैंक से फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स बिजनेस की अप, तो डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। जी बच्चों ही टेक ऑयल एंड ऑयल फिल्टर फॉर हिज सन बाय कॉस्टिंग 1250। एक तो याद रखें अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, बारह सौ पचास क्या चीज है? कॉस्ट है। जी बताएं बच्चों क्या उसने ऑयल एंड ऑयल फिल्टर बिजनेस से निकाल लिया है फॉर पर्सनल यूज? जी निकाल लिया है, तो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ड्राइंग्स तो बिजनेस की क्या हो गई? अप हो गई, तो ये डेबिट हो। क्या जब चीजें आई थी फॉर रीसेल पर्पजेस तो हमने परचेजेस लिखी थी, अब जो सी चीजें जा रही हैं अब वो बेचने के काबिल नहीं रही हैं, वो बिक ही नहीं सकती क्योंकि वो उठा के तो घर ले गया है, तो फिर इसका मतलब है वो बेची नहीं जा सकती, तो परचेजेस ही डाउन होगी। ये वो पहला एरिया आया है जहां पे परचेजेस का डाउन होना आपने शुरू किया, अदरवाइज परचेजेस हमेशा क्या होती है? अप होती है, ये रेयर केसेस में आता होता है। परचेजेस का डाउन होना क्रेडिट होता है, परचेजेस अप हो तो डेबिट, डाउन हो तो क्रेडिट, ये रेयर एंट्री है, मैंने पहले बोला। यार ये 26 सितंबर वाली एंट्री ना बड़ी ही मजेदार है, ब्यूटीफुल एंट्री, यू विल एंजॉय दिस एंट्री इंशाल्लाह। मिस्टर फजल्स वाइफ विजिटेड शॉप, ठीक है जनाब, मिस्टर फजल्स वाइफ विजिटेड शॉप, शी सॉ द ब्यूटीफुल फर्नीचर एंड आस्क हर हस्बैंड टू शिफ्ट सम ऑफ द फर्नीचर टू होम। आगे आप लिख लें कि हुक्म की तामील की गई, क्योंकि घर तो जाके रहना ही रहना है, ठीक है, तो यहां पर ड्राइंग्स, यस ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ गई क्योंकि पर्सनल यूज में चला गया,
और ऑफिस फर्नीचर बिजनेस से निकल गया। मैंने लफ्ज फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज किया हुआ, तो ये बिजनेस से डाउन और ड्राइंग्स बिजनेस की अप हो गई 4500 से। ये वाली एंट्री बताएं क्या होगी? मिस्टर फजल विदड्रॉ कैश, इसकी एंट्री बताएं बच्चों। मुझे पता था इसकी एंट्रीज गलत होनी है। कुछ बच्चे इसको लेकर चले जाते हैं विद्रोह का वो लफ्ज पढ़ के ड्राइंग्स में, हालांकि यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए विदड्रॉ किए गए हैं। अगली बात, कुछ बच्चे इसे ऑफिस एक्सपेंसेस में लेकर चले जाते हैं। क्या ये बताया गया है कि ऑफिस के एक्सपेंस कर दिए गए हैं या अभी सिर्फ कैश ड्रॉ किया गया है? जी आपके जवाब, आप सही एंट्रीज आनी शुरू हो गई हैं। लॉजिक पढ़कर सही एंट्रीज आना शुरू हो गई हैं कि बिजनेस में ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए ही कैश निकाला है, लेकिन अभी ऑफिस एक्सपेंसेस हुए नहीं, अभी तो बैंक गए थे, बैंक एक चेक प्रेजेंट किया 8,000 रुपए का, बैंक से कैश निकलवा लिया, खर्चे तो बाद में होने हैं। कैश बिजनेस का अप हुआ और बैंक बिजनेस का डाउन हुआ, दोनों एसेट हैं। कैश अप हो तो डेबिट, बैंक डाउन हो तो क्रेडिट। ये अब बैंक से पैसे निकलवाने और बैंक में पैसा ऐड करने वाली एंट्रीज आनी शुरू हो गई। मिस्टर फजल डिपॉजिटेड 15,000 इनटू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स, इसके ऊपर भी एंट्रीज गलत करते हैं बच्चे। जी हाँ, अकलमंदी वाली बात की गई है कि कैश सेल्स तो हो गई होगी पहले कभी, कोई 5,000 की, कोई 2,000 की, कोई 1,000 की, कोई 1,500 की, कोई 600 की, कोई 200 की कैश सेल हुई होगी, इकट्ठे हुए पैसे उसको डिपॉजिट करवा दिया गया बैंक में, तो बैंक बिजनेस का बढ़ गया होगा, बैंक अप हुआ डेबिट और कैश बिजनेस से डाउन हुआ क्रेडिट। लो जी बच्चों, बैंक से निकालने और ऐड करने की एंट्रीज भी हो गई। अब एंट्रीज आती हैं बच्चों, जो मैंने कल कही थी कि मैं खुद करवाऊंगा, ये वाली ट्राई, ये वाली सही शायद आपसे ना हो। चलते हैं बच्चों, रिसीव्ड इन बैंक 15,000 फ्रॉम डेटर जफर अगेंस्ट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 17,000। मुझे 15,000 मिले,
अगेंस्ट 17,000। यहां पर अक्सर औकात ऐसे लिख दिया जाता है एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, हमने जफर साहब को सेल की हुई थी, हमने पैसे लेने थे 17,000 रुपया, हमारी उनसे बात हुई थी कि 30 दिन बाद पेमेंट वो कर देंगे, हमें पैसों की जरूरत अभी पड़ गई, हम उसके पास भागे भागे गए, यार जफर भाई आप तो बहुत अच्छे बंदे हैं, जरा पैसे चाहिए, जरा जल्दी चाहिए, तो दे दो तुम जरा पैसे। कितने पैसे? 17,000। अब जफर साहब कहेंगे कि भाई जी बात हुई थी 1 महीने की, अभी तो 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप आ गए हैं मेरे पास। अच्छा चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ 15,000 दे देता हूँ, 17,000 के अगेंस्ट 15,000 ही मिलेगा, आपने खातों से मेरा नाम सारा साफ करना है, कोई लेना देना नहीं होगा इसके बाद। अब मजबूरी में ऐसा काम कर दिया जाता है, क्या मैंने 2,000 का लॉस बर्दाश्त किया? बताएं जी, क्या मैं 2,000 का लॉस बर्दाश्त करूंगा? लेने में 17 थे, 2 लॉस किया, 15 मिल जाएंगे। हर किस्म का लॉस एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, रिसीव्ड इन बैंक। अब इस एंट्री को बच्चों दो तरीके से किया जाता है, दो अंदाज में लिखा जाता है। पहला अंदाज वे आउट नंबर 1, और ये दोनों तरीके आने चाहिए, और ये फेवरेट एंट्री है आई के एफ की। बैंक में पैसा रिसीव्ड इन बैंक, बैंक में पैसा आया, बैंक इसका मतलब है बढ़ गया कितने से? 15,000 से। मैंने लेने कितने थे पैसे? 17,000। क्या सारे के सारे अब नहीं मिलने? जी नहीं मिलने, खत्म कहानी। जी खत्म कहानी, तो फिर इसका मतलब है डेटर क्रेडिट हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए 17,000। अब मैंने एंट्री को करना है बैलेंस, खप्पा डेबिट और सज्जा क्रेडिट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, तो दरमियान में जगह क्या क्या आ जाएगी? 2,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, और जो डेबिट हुआ है ये क्या चीज हुई है? एक लॉस हुआ है, लॉस का नाम हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया है, ये एक एक्सपेंस है। जी बच्चों पास में लग गई। हाँ डेटर जफर क्रेडिट, मैंने जफर नहीं लिखा, ये तो गलत काम कर दिया, जफर भाई तो क्रेडिट किए हैं। और 113822 मोहम्मद उमर की बिल्कुल सही एंट्री है, बिल्कुल सही सोचा उन्होंने। यहां पर मैं डेटर का लेजर भी थोड़ा सा बनाकर दिखा दूंगा आपको, कि डेटर से पैसे लेने वाले थे 17,000, ठीक, रिसीवेबल बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, हो सकता है ये बीडी हो। अब आपका बैंक के जरिए आ गए हैं 15,000, और 2,000 आपने क्या कर दिया है? डिस्काउंट अलाउड कर दिया, कैरेट डाउन हो जाएगा? नहीं, ये पहला वे आउट है बेटा। दूसरा वे आउट है दो हिस्सों में एंट्री पास करना, बैंक डेबिट और डेटर जफर क्रेडिट 15,000 से। ये वाला
वे आउट अक्सर रेक्टिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ होता है, क्योंकि एक बात याद रखें, जो अकाउंटेंट है ना वो कैश की एंट्री कभी नहीं भूलता, बैंक की फिर भी भूल सकता है, कैश की एंट्री कभी नहीं भूलता। और बैंक भी जब वो सारा का सारा अपनी बैंक स्टेटमेंट से टैली करता है तो उसकी भी एंट्री कर लेता है, तो वो भी नहीं भूलता। भूलता क्या है? जिसमें कैश या बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जिसमें कैश या बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हाफ चीज हो गई जफर भाई को मुकम्मल तौर पर नॉक ऑफ करने के लिए, डेटर को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से मजीद, और मैं डेबिट कर लूंगा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। क्या हमने 2000 का तो इसको क्या दे दिया था? डिस्काउंट दे दिया। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से एंट्रीज पास होती हैं। रेक्टिफिकेशन के हिसाब से थोड़ी सी बात कर दूं, एक एंट्री अकाउंटेंट चाचे असलम ने पास कर दी होती है, चाचा असलम है हमारा अकाउंटेंट, हमारा अकाउंटेंट है चाचा असलम, उसे एंट्री पास करती होती है, और बाद में पता चलता है कि जी एंट्री पूरी नहीं पास की, आधी पास की चाचा असलम, तो बाकी की एंट्री आप रेजर रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं, ये वाला है। जी बच्चों, अब ये वाली एंट्री अगर आप बना देंगे ना तो क्या ही बात हो जाएगी। आप दोनों अल्टरनेटिव्स अगर आप इसके बना देंगे ना तो जबरदस्त हो जाएगा। मैं समझूंगा कि कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर कर दिया और आप तक पहुंच भी गया। बहुत जबरदस्त, मोहम्मद उमर ने बिल्कुल सही एंट्री पास किया है, और दूसरे बच्चे उसकी एंट्री कॉपी पेस्ट ना कर दीजिएगा। चलें जी, पेड थ्रू चेक नहीं कैश, पेड थ्रू कैश 28,500 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया है तो कैश जा रहा होगा, कैश क्रेडिट कर देते हैं, कितना 28,500। अगेंस्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 30,000, अब क्रेडिटर को देने थे 30,000 रुपया, तो 30,000 हमने दे नहीं दिए, एडजस्ट कर दिए, फुल सेटलमेंट कर दी क्रेडिटर की। अब डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं हो रहे, 1,500 रुपया हमें डिस्काउंट मिल गया होगा, इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, और ये अदर इनकम में लिखा जाता है। बैठे बिठाए आपको क्या हो गई है? इनकम हासिल हो गई। अब इसका कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है बच्चा, हो सकता है सर, दो हिस्सों में इसकी एंट्री, क्रेडिट और डेबिट, कैश क्रेडिट जितना आपने पे किया है 28,500, बाद में पता चलेगा कि इस क्रेडिटर को तो खत्म करना था, तो आपने क्रेडिटर को डेबिट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर लिया, तो अदर इनकम में जाना 1,500। Thank you.
बेटा चंद मिनट रह गए हैं और पांच छह एंट्रीज रह गई हमारी। ये पांच छह एंट्रीज हम जो है ना कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, जिसमें से दो तीन एंट्रीज तो बल्कि अभी हो सकती हैं क्योंकि 3-4 मिनट हैं, तो जितनी बच जाएंगी वो हम कल डिस्कस करके कल मजीद इंशाल्लाह हम बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाने का सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनाने का सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी बेसिक से एक दफा कवर हो जाएंगी कि हम कौन कौन सी चीज से क्या क्या कुछ करते हैं। लेजर का कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ कि आपने एंट्री के जरिए किस तरीके से लेजर बनाने हैं। अगला कॉन्सेप्ट एक का थोड़ा सा सीखेंगे, डायरेक्टली लेजर कैसे बनानी है। जी कैश विदड्रॉल फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक, ये वाली चीज पहले भी आ चुकी है। बिजनेस में कैश बिजनेस के लिए आ गया और बैंक बिजनेस का डाउन हो गया। कैश टू बैंक, कैश बिजनेस का अप बैंक बिजनेस का डाउन, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब है बैंक में पैसा आ गया, बैंक बिजनेस का अप और कैश का डाउन, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक चार्जेस पेड 450 फॉर मेकिंग पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट, ये बैंक को पे किए गए हैं, इसलिए लॉजिकली क्या आना है यहाँ पर, बैंक आना है, कोई और बात नहीं लिखी। तो बैंक चार्जेस जहां पर भी आ रहे हो तो आप सेफली बैंक क्रेडिट कर सकते हैं, बैंक डाउन। कलेक्शन मेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाय डेटर, आजकल की दुनिया में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है। हमारे कस्टमर ने, हमारा जो रिसीवेबल बैलेंस था उसने डायरेक्टली हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा भेज दिया है, हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए हैं, तो बैंक बिजनेस का अप हो जाएगा और पैसे आ गए हमारे डेटर से, डेटर बिजनेस का डाउन हो जाएगा। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, चलें ये बाकी की एंट्रीज इंशाल्लाह कल करते हैं। चार या पांच एंट्रीज हैं यहां तक हमने परफॉर्म कर लिया हुआ है। कोई क्वेश्चन है, दो दो मिनट है मेरे पास बाय मैक्सिमम, बाकी व्हाट्सएप के ऊपर आंसर करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई हैव ओनली 2 मिनट्स क्योंकि अगली क्लास शुरू होनी होती है, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, दूसरे टीचर ने भी क्लास करनी होती है, तो हमारा टाइम पर छोड़ना बहुत जरूरी होता है। जी 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 बोले, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आई बिलीव इट्स, होना तो नहीं चाहिए। अब तो आपको इतनी सिनेरियोस, हर किस्म के सिनेरियो बेसिक लेवल पर कवर करवा दिया है जनरल एंट्रीज के हिसाब से। अब आपका काम है इसको एक या दो दफा मजीद परफॉर्म कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जुबानी परफॉर्म कर लें, कुछ नहीं करना, बैठना है और जुबानी करना है क्या चीज आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो आपको बताए हैं हेड्स, उनकी नेचर वो 100% आपके माइंड सेट में बैठी होनी चाहिए। चलें लेट्स गो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी दुआओं में खुद भी याद रखिएगा, अपने आप को भी और मुझे भी। आज जुमा है तो सूरह कहफ पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।